नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हम कई बार एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें ऐसा चित्रण दिखाया गया है कि कुछ अपराधी वो इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से बड़ी बड़ी चोरियां अंजाम देते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से चोरी करके अपना सामान बेचते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर यही चीज, यही बात आपको सही में सुनने में आए तो क्या आप उस पर एक बार विश्वास कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं। एक बार में ये बातों पे विश्वास नहीं होता कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चोरी करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने सामान को, चोरी किए माल को बेचना इतना आसान नहीं है। फिल्मों में हो सकता है, लेकिन ये चीज हो रही है और इसका खुलासा मीरा भाईंदर वसेविरार आयुक्तालय ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मीरा भाईंदर वसेविरार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की मीरा रोड में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम यूनिट 3 ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और इन आरोपियों के पास से मोबाइल टावर में फ्रीक्वेंसी के लिए लगाए जाने वाले अजान कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड है, वो बरामद किए गए। ये मामला हाल ही में तब खुला जब नालासोपारा आचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक एयरटेल कंपनी के टावर में से ये आधार कार्ड चोरी पाए गए और कंपनी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकता से इसकी जांच शुरू की और टेक्निकल आधार तकनीकी विश्लेषण करते हुए एक के बाद एक 7 आरोपियों की धरपकड़ की। उन आरोपियों से 40 लाख कीमत के आरआर यूनिट बरामद किए गए। आपको बता दें, जो पुलिस ने जानकारी दी है उसमें ये कहा गया है कि आरोपी चाइना और सिंगापुर में इन चोरी किए हुए आरआर यूनिट को बेचते थे, जहां से वापस इनको रीअसेंबल्ड किया जाकर ग्रे मार्केट में महंगे भाव में बेचा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये रैकेट काफी बड़ा है और फिलहाल इसमें 7 आरोपी पकड़े गए। पुलिस अभी भी इस मामले में और जांच कर रही है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है, देश दुनिया में इसके और भी कई मामले खुलने के अभी आसार है। तो यह मामला काफी एक बेहतरीन काम मीरा भाईंदर वसेविरार आयुक्तालय की क्राइम यूनिट 3 द्वारा अंजाम दिया गया। फिलहाल इसमें 40 लाख के मुद्दे माल की रिकवरी हुई है और 7 आरोपी इसमें अटक किए गए हैं। आगे की जांच पुलिस कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा भाईंदर वसेविरार आयुक्त मधुकर पांडे ने। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए, धन्यवाद। ये मोबाइल टावर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक चीज होती है, मोबाइल टावर्स पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं RRU, रेडियो रिसीवर यूनिट। इसको कहीं कहीं पे आजना कार्ड भी बोलते हैं। आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि 22/8/2024 को दोपहर 3 बजे के आसपास में आचोड़े पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आजना कार्ड की चोरी का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें सबसे पहले हमको 2 आरोपी जो है वो CCTV की मदद से मिले। उनको पकड़ने के बाद में उन्होंने कहां भेजा, इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो एक जैन है ना, बंसीलाल जैन, ये व्यक्ति का हमको पता मिला। उसको जब हम लोगों ने इंटरोगेट किया तो उसने ये बताया कि एक कुरियर है, राजधानी कुरियर, वो उस कुरियर के मदद से
ये जो आजना कार्ड है, अब ये जो आजना कार्ड है या जो रेडियो रिसीवर यूनिट जो है उसके बारे में आपको ये बता दें कि दुनिया में दो कंपनियां बनाती हैं, तीन बनाती हैं एक्चुअली, एक है नोकिया, दूसरी है एरिक्सन और तीसरी है हुआई। हुआई इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये जो कार्ड है, जो मोबाइल फोन का जो टावर होता है बड़ा वाला, उसके बेस पे एज अ रिसीवर इसको लगाया जाता है। एक टावर में 3 से 4 लगते हैं, उसमें से एक अगर चोरी हो गया तो कभी कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये दो जो आरोपी हमको मिले उनका नाम था, सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा कपूर चंद सुरेश गुप्ता, शुभम यादव शैलेश, और उसके बाद में ये शुभम विनय कुमार यादव, एज 24 इयर्स, ये रहने वाला है वकोला का, और एक बंदा है उसका नाम है शैलेश राम विलास यादव, ये अंधेरी का रहने वाला है। इन दोनों ने पहली जो हमारा जो ऑफेंस जो हमने डिटेक्ट किया आचोले पुलिस स्टेशन का, वो इन्होंने चोरी की थी। इनको टिप दी थी कपूर चंद सुरेश गुप्ता जी ने। ये कपूर चंद सुरेश गुप्ता ये एंटोपिल पे रहता है, और ये पहले इंडस टावर्स जो कंपनी जो इसको इंस्टॉल करती है उसमें काम करता था, उसने इनको टिप दी। वहां से कहानी आगे गई बंसीलाल जैन के पास। बंसीलाल जैन जो है वो मुंबई में स्टार डीलर है, उन्होंने ये परचेज करके बाई थ्रू राजधानी कुरियर इसको दिल्ली भेजते थे। दिल्ली में फिर हमारी टीम गई, दिल्ली में इन लोगों ने, हमारे लोगों ने छापा वहां पे डाला, और वहां पे इन लोगों ने जैद अनवर मलिक, जाकिर मलिक और जुनैद आरिफ मलिक, वो जाकिर मलिक की काम, और ये दोनों जो है काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक इनके लिए। इन तीन लोगों को वहां पे उनका जो एक गोडाउन है वहां पे इनको रेड किया, वहां पे भी इनको पकड़ा। अब ऐसा आपको एयरटेल कंपनी से आइडिया मिल रहा है कि ये एक गैंग है जो कि शायद ऑल ओवर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने टोटल 8 जो यूनिट्स है ये सबसे पहले पकड़ा था जैन, वो जैन जो उसका एड्रेस है उसके पास, उसने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो कुरियर वाला जो बंदा था, हमने कुरियर वाले को बुलाया, बताया कि इस तरह का कोई माल तुम्हारे पास कोई और भी देगा तो हमको बताना, तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहां से 14 उसके पास से 14 यूनिट रिकवर किए। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वही है, वो एक एक यूनिट है, और दिल्ली से रेड करके हम लोगों ने और 14 यूनिट रिकवर किए। ये जो यूनिट्स है ये इसका एक यूनिक इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म होता है, जैसे कि मोबाइल फोन में आपको पता होगा IMEI होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसलिए अगर इसको दोबारा कहीं और किसी इंडिया में कहीं भी किसी जगह पे लगाया गया तो वो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये फिर से एक्टिवेट हुआ है। इसका दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि इसको जैसे कि आईफोन में आप जानते होंगे जेल ब्रेक करते हैं, या फिर एंड्रॉइड में या कुछ और फोन में उसको रूट ये करते हैं डीबगिंग, रूट डीबगिंग इस तरीके से करके इसको भी वैसा कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स यूज करके ऐसा कर सकते हैं कि दोबारा लोकल मार्केट में इसको बेचा सकते हैं, अदरवाइज इसको इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पे भी बेचा जा सकता है। जैसे इसमें एक अक्यूज ने आपको ये बताया है कि इसमें से कुछ माल वो पहले चाइना और हांगकांग में भेज चुका है। हम लोगों ने जो टोटल 36 ऐसी इस तरह की यूनिट जो पकड़ी है उसमें से कुछ यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई है उससे संबंधित है, और एयरटेल कंपनी हमने जो मतलब जो पकड़ा है उसमें से 36 में से 10 ऐसे हैं जिसका सीरियल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, वो डिलीट किया जा चुका है। बाकी जो मिले हैं उसमें से
एक यूनिट गोवा से चुराया गया है, एक दिल्ली से चुराया गया है, एक बिहार से, दो बिहार से, एक झारखंड से और एक पंजाब से। हम लोगों ने इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया सर, जिसमें से 4 बॉम्बे से हैं और 3 बॉम्बे से, चार बॉम्बे से और 3 दिल्ली से हैं। तो ये हम लोगों ने ये काम किया है और इसको इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। ये कीमत जो है एक यूनिट तकरीबन इंडिया में जब बिकता है तो 60,000 रुपए का बिकता है, उसके हिसाब से 40 लाख रुपए की है, लेकिन अगर इसको ब्लैक मार्केट में शायद इसकी कीमत उस करोड़ रुपए में होगी। थोड़ा टेक्निकल है तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सर इनका चोरी करने का तरीका क्या हुआ करता था? ये जाते थे जैसे इनको जो इंडस टावर्स वाला जो बंदा है जिसने वो वहां पे काम करता था वो वहां पे टिप देता था कि यहाँ पे इस तरह से टावर है और वहां जो लोकेशन है इजी है। ये दुर्घटना जिस दिन हुई उस दिन ये दोनों हम इस कंपनी में काम करते हैं टावर का सबको इंस्पेक्शन करना है ये बोल के ऊपर से ले गए बिल्डिंग में। बिल्डिंग में ये जो बेस यूनिट होता है ये थोड़ा नीचे ही रहता है, वहां पे जाके उसको सिंपली उसको ये करना है, आपको कुछ टूल्स यूज करने हैं उसको निकाल लेना है। निकाल के लोगों को इस तरह की चीज की चोरी होती है ये किसी को वॉचमैन है बाकी लोगों का आइडिया नहीं है, आपने आराम से बैग में उसको लेकर के चले गए। हालांकि ये होता है भारी, आप चाहे तो उठा के दे सकते हैं कि 10-12 किलो का होता है और उसके बाद फिर आगे वो चलता चला गया। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए इस तरह का किया गया ये जो है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसका एंड यूज क्या होता है, तो हम जो भी ये होगा वो उस एंगल से हम हर एंगल से इसका तपास करेंगे। सर ये जब चोरी करते थे तो चोरी करके जिनको आगे बेचते थे उन तक भी आपकी पुलिस पहुंची है सर, और क्या वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगी सर? नहीं, अभी तो मैंने बताया ना कि इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद में इसने कबाड़ वाले को दिया, कबाड़ वाले का नाम है जैन, उसको हम लोगों ने पकड़ा, उसने फिर एक कुरियर वाले को दिया, कुरियर वाले ने हमको इसमें आगे रिकवरी कराने में मदद की इसलिए हम लोगों ने उसको फिलहाल शक के दायरे से बाहर रखा है। उसके बाद वहां से उसने दिल्ली भेजा, दिल्ली में जिसने रिसीव किया उसको पकड़ा, फिर वो दो लोग थे उनका नाम था जैद अनवर मलिक और आरिफ मलिक और ये काम करते हैं जाकिर सालिम मलिक के लिए, तो उसको भी ये हम लोगों ने पकड़ा, यहाँ तक तो लोग गए, आगे भी क्या होगा। वो जाकिर है वो क्या काम करता है? जाकिर जो है वो एक तरह समझ लीजिए कि इनका महाराष्ट्र और इस एरिया में जो भी ऑपरेशन है उसको मैनेज करता है ऐसा लग रहा है। सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आपने बताया कि इंडस टावर कंपनी के कुछ लोग उसमें शामिल थे, इंडस के अलावा और कोई कंपनी? दो सवाल है सर, आरोपियों का बैकग्राउंड और इंडस के अलावा और कोई कंपनी? मेनली तो इंडिया में वही है, इंडस ही एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी तो, जीटीएल है, उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी काम कर रही हैं। हां उसका उन कंपनियों का फिलहाल अपने को कुछ ये मिला नहीं है, तो सभी बाकी जो लेकिन इसमें ये अभी तक हमको बाकी किसी का कोई एंटीसीडेंट इशू नहीं है। आरोपियों का बैकग्राउंड सर? छोटा मोटा काम करते हैं ये जो लोग है, ये कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम ही करते हैं, फिलहाल हमको इसमें से किसी का ये दिखा नहीं है, लेकिन इसमें एक बात है कि जाकिर जो है वो जिस बंदे के लिए काम करता है उसका नाम है जावेद मिरपुरिया उसके ऊपर इस तरह का रैकेट चलाने के पहले कुछ और केसेस हुए हैं जिसमें उसको फरार बताया गया। तो तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक जो टावर है उसके नीचे में इस तरह के 3-4 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक निकाला आपने तो वो लड़खड़ाएगा। लेकिन धीरे धीरे आरोपी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि पूरे महाराष्ट्र ये चल रहा है, गतिविधियां चल रही है? ये तो जैसा कि मैंने बताया हम लोगों ने जो रिकवर किया है उसमें से एक गोवा का है, एक झारखंड का है, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है, पंजाब का है और बॉम्बे महाराष्ट्र के हम लोगों ने इसमें इन लोगों से टोटल 20 गुने सॉल्व हुए हैं महाराष्ट्र के। टारगेटेड किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को टारगेट किया जा रहा था क्या, जैसे टाटा का हो या सॉरी एयरटेल का हो या जियो के? नहीं ऐसा कुछ नहीं।
सर इसमें सर जो 20 गुना है ये अजमा कार्ड के हैं सर, ये जो 20 गुना दाखिल है। यस सर, आपने जो 20 गुना का जिक्र किया है उसमें से दो मामले जो है वो एक मिराज का है और एक खिलान का है, 2023 के दो मामले हैं हमारे पास, 2024 के मामले सर। करेक्ट, ठीक है। तो उसमें से जो दो मामले थे उनकी पुलिस ने क्या सही से तफ्तीश नहीं की थी, उन आरोपियों को नहीं पहुंचे थे? क्योंकि आपने जो अभी रिकवरी किया वो 22/8/2024 का जो FIR दर्ज हुआ था उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो यहाँ तक पहुंचे, तो बाकी के जो पहले के जो FIR दर्ज थे उसमें पुलिस को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नाजमी की पुलिस को आरोपियों तक नहीं पहुंची थी? पुलिस की कामगिरी का सवाल उठ रहा है पुलिस गिराकामी। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मर्डर आरोपी पकड़ा था जो 23 साल बाद उसको पकड़ा था, अब पकड़ लिया ना सर मराठी के आरोपी जो है वो इन्हीं से कनेक्टेड है, जो 2023 में जो दो मामले आरोपी थे। सर इनका मकसद क्या था? इनका मकसद क्या था? पैसा कमाना सर। मराठी हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।